टीम तमिलनाडु ब्रॉन्ज मेडल विनर इन 48 जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप सर बीच में हो वो साहब ये सामने जाति आमिर हुसैन शाह सुशील खान मोहम्मद शबीर खान शिवम सैनी एंड अयाज अहमद सामने मिस्टर अनुपम थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू मैम नॉर्मल व्यक्ति जो है चैंपियनशिप को उनका भी सम्मान उसके प्रेजेंटेशन को करें उनके मार्गदर्शन से सारा कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही देख रेख में हमारी जो स्पेशल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी थी तो ये एमपी महोदय हमारे पैट्रोन हैं तो हिमाचल नहीं इधर थोड़ा बेटे मिस्टर अजीत कुमार भले इन्हें पिछे हटे हम तमिलनाडु टीम है हम एमए स्टेडियम में जम्मू में को खेलने आए हैं हमारे हम थर्ड प्लेस में को उठाया है हम हमारे कोच ऑर्गेनाइजिंग टीम को थैंक यू कहते हैं उन्होंने हमको बहुत अच्छे से संभाला है यहाँ का खाना और सभी अच्छी हुआ था हमारे मैच भी अच्छा है थैंक यू ये हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और विशेष तौर पर आम नागरिकों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि 14 साल बाद हमें ये मौका मिला है कि ये 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं उसका मौका जो है वो हमें मिला है और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जिनकी सिदारत में ये कार्य हो रहा है ऐसे हमारे सिदारत जी जो कि प्रेसिडेंट हैं इस नेशनल वॉलीबॉल जो एसोसिएशन है हमारी जम्मू कश्मीर की उसके प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले दुलजा साहब थे हम सब जानते हैं लेकिन इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छी ये अपनी नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है वो चल रही है और इस समय आप देख रहे हैं कि भाई फाइनल में हरियाणा
और राजस्थान की टीमें आपस में भिड़ी हुई हैं। बहुत तगड़ा मुकाबला जो है वो हो रहा है और दर्शक भी बहुत आनंद ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई सैकड़ों की संख्या में जहां पर जो स्पोर्ट्स प्रेमी हैं वो तो आए हुए हैं लेकिन आम नागरिक भी इसका आनंद लेने के लिए जहाँ आया है। और विशेष तौर पर हमारा सौभाग्य है कि भाई हमारे बीच वसुदेवन साहब जो हैं वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। राजकुमार जी हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं जहाँ के, और इसके साथ ही राम अवतार जी और जो सीईओ हैं, और साथ में अनिल चौधरी जी सेक्रेटरी जनरल हैं इस फेडरेशन के, सुनील कुमार जी हैं, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसकी सेक्रेटरी नुसरत जी भी हमारे बीच में हैं, विजय पाल सिंह जी हैं, राज दुलवजा जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य जो है वह हो रहा है। सिद्धार्थ जी, मैंने आपसे पहले बात कही, जो प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के, कुलदीप मंगोत्रा जी ऑर्गेनाइज इस सबको कर रहे हैं, नंद किशोर जी और बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स भी यहां पर उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बता दूँगा 26 स्टेटों के स्पोर्ट्समैन जहाँ पर भाग ले रहे हैं, टीमें भाग ले रही हैं, और इसमें कुल टीमें जो हैं वो 52 हैं जिसमें लड़के भी और लड़कियों की भी टीमें हैं, और फाइनल अब जो हरियाणा और राजस्थान का हो रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर की जो टीम है उसने भी इस बार मेडल जीता है, और पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम में भी वॉलीबॉल में मेडल जीता है और वो तीसरे स्थान पर रही है। लेकिन हम सबका ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में पहले स्थान पर दूसरे और दूसरे से पहले स्थान पर आए। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो ये नारा है कि भाई सब स्वस्थ रहें और सब खुश रहें, उसी को मद्देनजर रखते हुए खेलो इंडिया के नाते भी उन्होंने तो बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी जम्मू कश्मीर की है और विशेष तौर पर हमारा जो केंद्र नेतृत्व है, हमारी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रहे हैं, अच्छा है, इससे जो नौजवान हैं उन्हें एक प्रेरणा भी मिलती है और कुछ करने की आशा भी जगती है। और नशा मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा साधन है, इससे क्या रहता है कि जो नौजवान हैं वो व्यस्त रहते हैं और स्पर्धा हो तो उनमें भी एक चाहत रहती है कि हम भी इससे हिस्सा लें। तो बहुत अच्छी चैंपियनशिप जो है वो जहां पर हो रही है जिसका आनंद पूरे जम्मू कश्मीर के लोग रहे। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 48 जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप ये जम्मू में हो रही है, ये 14 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, 19 नवंबर को आज इसका फाइनल हो रहा है। इसमें 52 टीम्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, लीग फ्रॉम नॉकआउट थे, सभी टीमों ने मैच खेले और आज जो टीमें क्वालिफाई कर रही हैं राज्य इन बॉय सेक्शन, राजस्थान और हरियाणा, इनका फाइनल चल रहा है। तो दूसरी साइड गर्ल्स सेक्शन में वेस्ट बंगाल और राजस्थान की गर्ल्स ने क्वालिफाई किया, उनका भी ये कंपटीशन चल रहा है एज ए फाइनल मैच के लिए। तो ये जो 6 दिन की टूर्नामेंट चल रही है इसके लिए जेएंडके वॉलीबॉल एसोसिएशन ने इनका रहने का, खाने का, अकोमोडेशन का सारा इंतजाम किया है विद द हेल्प ऑफ द विद द कोलैबोरेशन जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल। तो ये कंपटीशन जो है जहां ये सिलेक्शन भी हो रही है, जहां ये ड्यूरिंग द चैंपियनशिप ये सिलेक्शन होगी, इसका कोचिंग कैंप लगेगा, ये फिर बाद में एशियन चैंपियनशिप में टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो आज ये जो कंपटीशन चल रहा है इसमें जेएनके ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, उसका पहले मैच हो गया क्योंकि कल जेएनके सेमीफाइनल में हरियाणा से हार गई थी, और फिर थर्ड और फोर्थ के लिए आज उन्होंने कंपटीशन हुआ, थर्ड फोर्थ तमिलनाडु और जेएनके का हुआ और जेएनके ने 3-2 सेट से जीता है और जेएनके गार्ड द ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर ए गैप ऑफ 14 ईयर वी आर कंडक्टिंग दी टूर्नामेंट। 2008 में हमने सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप कराई थी, तो लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई, जेएनके कभी भी जूनियर में मेडल विनर नहीं है और फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री क्रिएट हुई और जेएनके ने बॉयज सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल लिया। थैंक यू।